बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम आज हम केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर एट केमिकल रिएक्टिविटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द तो फॉलोइंग इज़ लेस माइलेबल इनमें से कौन सी मेटल कम माइलेबल है मेलेबिलिटी धातों की एक खूबी होती है जिसमें धातों को हथौड़े की मदद से कूट कर इनकी शीट्स बनाई जाती हैं ऑप्शन ए में है सोडियम ऑप्शन बी में है आयरन ऑप्शन सी में है गोल्ड ऑप्शन डी है सिल्वर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम एक ऐसी मेटल है जो कि लेस माइलेबल है क्वेश्चन नंबर टू ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ नियरली डैश एलिमेंट इंसानी जिसम में कितने एलिमेंट्स हैं ऑप्शन ए है ट्वेंटी एट Option B had 26. Option C had 27. Option D had 25. The correct answer is 28. Question number 3: Metals can form ions carrying charges. Option A: unipositive. Option B: dipositive. Option C: tripositive. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिज मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है ये खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं अगर कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो तो यूनी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस मेटल पर प्लस वन चार्ज आ जाता है और अगर कोई मेटल दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो तो उसके ऊपर डाई पॉजिटिव या प्लस टू चार्ज आ जाता है और अगर कोई भी मेटल थ्री इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो या तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो तो उसके ऊपर ट्राई पॉजिटिव या प्लस थ्री चार्ज आ जाता है तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दीज होगा डैश मेटल इज़ ब्रिटल ब्रिटल मीन वो मेटल जो कि आसानी से टूट जाती हैं ऑप्शन ए है सोडियम ऑप्शन बी है अल्यूमिनियम ऑप्शन सी है सिलीनियम ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। द करेक्ट आंसर इज सोडियम सोडियम ऐसी मेटल है जो कि बहुत जल्दी टूट जाती है इसलिए ये ब्रिटल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न विद ब्रिक रेड फ्लेम इन द एयर ऑन हीटिंग इनमें से कौन सी मेटल गर्म करने से हवा में हवा की मौजूदगी में या हवा में ब्रिक रेड फ्लेम में जलती है यानी उसके शोले का कलर ब्रिक रेड होता है ऑप्शन ए है सोडियम ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑप्शन सी है आयरन ऑप्शन डी है कैल्शियम द करेक्ट आंसर इज़ कैल्शियम क्वेश्चन नंबर सिक्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ऑप्शन ए है आयरन ऑप्शन बी है गोल्ड ऑप्शन सी है सीजियम ऑप्शन डी है अल्यूमिनियम द करेक्ट आंसर इज सीजियम सीजियम मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्वेश्चन नंबर सेवन द लीज कंडक्टर ऑफ हीट इज हीट सबसे कम किस में कंडक्ट होगी ऑप्शन ए है आयरन ऑप्शन बी है गोल्ड ऑप्शन सी है सिल्वर ऑप्शन डी है लेड द करेक्ट ऑप्शन इज डी लेड लेड में हीट सबसे कम पास होगी लेड इज़ लीस कंडक्टर ऑफ हीट सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव बट इट डज़ नॉट रिएक्ट विद सोडियम इंतहाई रिएक्टिव है लेकिन ये किस के साथ रिएक्ट नहीं करती ऑप्शन ए है हाइड्रोजन ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑप्शन सी है सल्फर ऑप्शन डी है फास्फोरस द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन द मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ सोडियम मेटल इज सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है ऑप्शन ए है नाइन्टी सेवन सेंटीग्रेड ऑप्शन बी है हंड्रेड सेंटीग्रेड ऑप्शन सी है वन वन ज़ीरो सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी है टू हंड्रेड सेंटीग्रेड द कुरेक्ट आंसर इज नाइंटी सेवन सेंटीग्रेड क्वेश्चन नंबर टेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑप्शन ए है सिडिक ऑक्साइड ऑप्शन बी है बेसिक ऑक्साइड ऑप्शन सी है फोटेरिक्साइड ऑप्शन डी है कार्बन मोनो ऑक्साइड द कुरेक्ट आंसर इज मेटल

ऑप्शन बी है अल्कली मेटल्स ऑप्शन सी है हेलोजेंस, ऑप्शन डी है ट्रांजिशन मेटल्स द करेक्ट आंसर इज अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहलाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द मोस्ट फ्रीशियस मेटल इज सबसे कीमती मेटल कौन सी है ऑप्शन ए है सिल्वर ऑप्शन बी है गोल्ड ऑप्शन सी है प्लैटिनम, ऑप्शन डी है आयरन द करेक्ट आंसर इज प्लैटिनम। प्लैटिनम मेटल गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है क्वेश्चन नंबर थर्टीन मर्करी इज द मेटल विच एक्सिस मर्करी जो कि एक मेटल है वो किस फिजिकल स्टेट में पाई जाती है ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट ऑप्शन बी है लिक्विड स्टेट ऑप्शन सी है गैश स्टेट एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा स्टेट द करेक्ट आंसर इज इन लिक्विड स्टेट मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं ये वो वहद मेटल है जो के लिक्विड स्टेट में है बाकी सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं क्वेश्चन नंबर फोरटीन Which metal is more my label? Kaun si metal the si my label hai? Option A is sodium, option B is iron, option C is gold, and option D is silver. The correct answer is gold. Which one of the following will not react with dilute HCl? इन में से कौन सी मेटल डाइल्यूट एच के साथ रिएक्ट नहीं करेगी ऑप्शन ए है सोडियम ऑप्शन बी है पोटाशियम ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑप्शन डी है कार्बन द करेक्ट आंसर इज सोडियम द करेक्ट आंसर इज सोडियम सोडियम विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजली बिकॉज ताँतें आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करती हैं ऑप्शन ए है दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑप्शन बी है दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन सी है दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनफिनिटी एंड ऑप्शन डी है दे आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दाँतों का साइज़ बड़ा होता है न्यूक्लिस की आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन कम होती है इसलिए धातें आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं क्योंकि जब साइज़ बड़ा होता है तो न्यूक्लिस के इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है और उनकी लो आइनाजेसन एनर्जी होती है थोड़ी सी एनर्जी धातों को अगर मिल जाए तो वो अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं इसलिए धातें जो हैं वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं विच वन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज एक्सट्रीमली हार्ड कौन सी नॉन मेटल इंतहाई सख्त है ऑप्शन ए है ग्राफाइट ऑप्शन बी है फॉसफोरस ऑप्शन सी है आयोडीन ऑप्शन डी है डायमंड करेक्ट आंसर इज डायमंड क्वेश्चन नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस ऑप्शन ए है आयोडीन ऑप्शन बी है सल्फर ऑप्शन सी है कार्बन ऑप्शन डी है फास्फोरस द करेक्ट आंसर इज आयोडीन लस्ट्रस इनमें सबसे ज्यादा कौन होगी ऑप्शन ए आयोडीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट सबसे हल्का है ऑप्शन ए है लिथियम ऑप्शन बी है सोडियम ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो जिस मेटल का टोमिक मास कम होगा वो मेटल हल्की होगी द करेक्ट आंसर इज लिथियम लिथियम का टॉमिक मास सबसे कम है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज पाई जाती है ऑप्शन ए है सेवेंटी एट ऑप्शन बी है सेवेंटी सिक्स ऑप्शन सी है सेवेंटी सेवन ऑप्शन डी है सेवेंटी नाइन द करेक्ट आंसर इज सेवेंटी एट